हमारा अपना डिसिप्लिन है। और समाज का अपना एक डिसिप्लिन है जिसमें कि सब लोग उसे फॉलो करते हैं। हम लोग नहीं फॉलो करते हैं। उसके पीछे वजह जो है वो ये है कि सारे दुनिया में जितने भी काम हैं जब शुरू होते हैं तो इमोशन बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो ही अभिनय शुरू होता है इमोशन का दरवाजा खोला जाता है। हो सकता है कि वो काम करते करते स्लिप कर जाए, संभावनाएं बनती हैं ना, क्योंकि हम इमोशनल हो रहे हैं, हम रियल हो रहे हैं। मतलब मेरे जीवन में तो ये कितने उदाहरण हैं कि जब कोई मेरा बच्चा बेटा बेटी बनता है तो वो महसूस करता है कि ये मेरा बाप है। हमें मसान में वो चीज पर्दे पर भी नजर आती है। हाँ, अभी जो इंस्टेंट सबसे ध्यान आ रहा है। हाँ, तो अगर अगर आप ऐसे देखें मसान में तो हुआ कि ये डोम है, मुर्दहट्टी पे मुर्दा जलाता है। अब मुर्दा जलाने वाला जो है कांड मेरे कभी जीवन में आया नहीं, रहा नहीं, तो मुझे लगा क्या करें यार, डायलॉग तो जो है लाइन तो समझना और स्क्रिप्ट को समझना और उसका सोल और विचार वो सब तो समझ में आ ही जाता है, करेंगे कैसे, महत्वपूर्ण ये है। तो शरीर उस तरह का नहीं था, तो मुझे लगा क्या किया जाए। तो बनारस मेरा ननिहाल है, तो हमने फोन किया तो जो है वो डोम राजा के यहाँ फोन गया, बोले कि भाई वो मेरा जो है वो भांजा है और वो जरा कुछ उसका करना है काम, आप जरा देख लीजिएगा। एयरपोर्ट से सीधे मेरा जो मेरा भाई है वो हमको ले आया मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट पे वो गए डोम राजा के यहाँ, डोम राजा एकदम में उछल पड़े, बोला हम कर रहे हैं एक रोल। अब वो रोल नहीं कर सके क्योंकि उनके यहाँ कोई डेथ हो गया, इसलिए वो किसी और ने किया। तो उन्होंने कहा एक दो डोम को बुलाया, अब कहा कि भाई ये ले जाओ इनको और ये जो अपने साथ रखो बैठाओ। अब ये कि डोम लोग क्यों बैठाएं क्या ओ, तो बस मैंने महादेव का प्रसाद खोला, बस चला दवा, सब खुश, भीड़ लग गया, बैठ गए। फिर उसके बाद सवाल होने लगा, फिर उनके साथ नंगे पैर, फिर उसके बाद धोते पहन लिए और बंडी पहन लिए, और उसके बाद हमको लट्ठा लट्ठा उठा के रखे, बोले अरे क्या कर रहे हैं, बोले मैंने लट्ठा उठाए, लट्ठा तौले, लट्ठा जो है ऊपर से लेके नीचे उतारे, चिता बनाए, मुर्दा रखे, मुर्दा पलटे जलता हुआ, सब तंबई कर दिए थे, सारे बाल जल गए थे। 7 दिन ये काम किए, रोज 10 घंटा। अब इसको हम ग्लोरीफाई चाहे तो करें, लेकिन मुझे लग रहा है ये मेरा जॉब है जो मैंने नहीं किया है, उसको समझने के लिए। शरीर जो है वो उस प्रकार का होगा तभी जब आप उस सांचे में ढलोगे, ये दूर से देख के नहीं हो सकता है, नकल करोगे। वो तस्वीर है मेरे पास, अरे गोड़वा मोड़ ना रहे उसका, मुर्दा का कोई भी अंग अगर चिता से बाहर गिर जाए तो अपवित्र हो जाएगा। वो तस्वीर मेरे पास है, वो फेसबुक पे कहीं लगा भी हुआ है, टांग निकला हुआ है और लाश जल रही है और वो बोलता है अरे टंगवा मोड़ ना रहे उसका, नहीं तो टांग वो आगे वाला हिस्सा गिर जाएगा नीचे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे करके जो ये कोई मैंने महान कार्य तो किया नहीं, और नहीं ये कहा जा सकता है कि सब लोगों के लिए ये संभव है कि अगर ये कोई एक परिपाटी बन जाए, हो सकता है किसी को समझ में ही ना आए,
कोई वहां रहे और उसको लगे यहां बैठे रहो करते रहो तो हो जाएगा, नहीं। आप अपने दिमाग को ये आदेश देते हो कि अब ये समझना शुरू करो। हम लोग समझना शुरू कर देते हैं तो वहां से मणिकर्णिका घाट से अपने लोकेशन में पहुंचने में 40 मिनट लगता था, नंगे पैर 40 मिनट चल के जाते थे। क्यों चल के जाते थे? क्योंकि सब नंगे पैर रहता था और उनको कंकड़ नहीं करता था। हम जो ही चप्पल उतारे तो चूंक जाए ऐसे करके, क्योंकि नीचे कंकड़ लगता था। तो अगर डोम है तो अगर एक छोटा सा भी ऐसा अगर होता है तो मेरे चरित्र के लिए सही नहीं है। किसी को दिखे ना दिखे इससे लेना देना नहीं है, मुझे दिखना चाहिए। जब मुझे दिखेगा तो आपको दिखेगा, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको दिखाने के लिए मुझे स्टार बनना पड़ेगा, तब आप वो पर्सनालिटी देखोगे। लेकिन अभिनय के लिए मुझे देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा तब आपको दिखेगा स्पष्ट। और इसके लिए जरूरी है कि डायरेक्टर एक्टर को देखे। डायरेक्टर अगर एक्टर की समझ पैदा कर लेता है तो अद्भुत काम हो जाता है।